नमस्कार दोस्तों, मैं कमल ठाडा बालाजी एग्रो इंडस्ट्री पंचकुला से। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी एग्रो इंडस्ट्री पंचकुला में। तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, वो है कि ग्राइंडर दो प्रकार के आते हैं, एक को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम बॉडी, एक को हम बोलते हैं एसएस बॉडी। तो कई ऐसे कंपनीज हैं जो एसएस का ग्राइंडर सेल करती है, वो कहती है कि आप एल्यूमिनियम का ग्राइंडर मत लीजिए। बट दोस्तों वो आप लोगों को ग्राइंडर बेचती नहीं है, वो आपको ग्राइंडर चेपती है। ये वर्ड चेपना मैं इसलिए यूज कर रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि मैं अभी आपको रियलिटी बताऊंगा कि एसएस के ग्राइंडर की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। असलियत में वो एसएस नहीं, वो आयरन है। ये मेरे हाथ में मैग्नेट है, जिसे हम देशी भाषा में चुंबक भी कहते हैं। चुंबक हमेशा वही चिपकेगा जहां पे आयरन लोहा होगा, एसएस पे चुंबक कभी काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये हमारा बॉयलर एसएस का, यहां पे देखिए बिल्कुल भी चुंबक नहीं चिपकेगा, ठीक है। ये एल्युमिनियम है, इस पे चुंबक नहीं चिपकेगा। अब जो एसएस है, मेन क्या कहा जाता है कि हम एसएस का ग्राइंडर देते हैं सर एल्युमिनियम में, तो ये बीमारी होती है, वो होती है, ऐसा कुछ नहीं होता सर। मेन जो बीमारी होती है वो इसी ग्राइंडर से होती है, और वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे होती है। इसको खोल लो सबसे पहले, दोनों को साइड हो। इसमें मैंने आपको करके दिखाया, आज हम पूरा डीएनए करेंगे इस ग्राइंडर का। तो ये देखिए, ये आपके सामने है मेरा बॉयलर एसएस का है, उसमें चिंबक बिल्कुल भी नहीं चिपका। ये लोहा है तो इसमें चिपक गया, तो ये एसएस कहां से जाए? अगर ये एसएस होता तो चिंबक यहां चिपकता नहीं, नीचे गिर जाता। मैंने इस पे कुछ नहीं लगाया, कहीं आप लोगों को लगे कि सर ने कुछ चिपका दिया होगा, फेविकोल फेविक्विक वगैरह, इसलिए चिपक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ठीक है, दोबारा फिर आपको दिखा देता हूं एसएस पे क्या बची है। ये देखिए, ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आयरन। ये सब आपके सामने लाइव दिखाया जा रहा है। अगर इसके अंदर एसएस है, एसएस का आप ग्राइंडर बेचते हो, एसएस 304 में बेचते हो, तो भाई ये चिंबक कैसे चिपक रहा है इसके अंदर? इस बात का जवाब मांगे उस कंपनी से, ठीक है सर। यहां देख लीजिए, ये देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, यहां देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए आप, इसके लॉग पे देख लीजिए आप। और लोग भी ना बड़े हल्के लोग हैं। आप ये ग्राइंडर मेनली मेरे हिसाब से एक डेढ़ महीना चला है क्लाइंट का। हमने भी इसीलिए उनसे लिया है कि सर आप हमें एक पीस दो, हम भी लोगों को जागरूक करेंगे कि जो एसएस का ग्राइंडर बोल के बेचते हैं उस असलियत में वो चीज क्या है। तो ये देखिए सर, यहां पे नहीं चिपका, अब इसको खोलो एक बार, एक डेढ़ महीने में ये देखिए ग्राइंडर खुलेगा कैसे, ये देखिए, ये और इसके अंदर जो ये जाली आती है ये भी एल्युमिनियम की है, इसमें भी कोई एसएस नहीं है। अब ये ग्राइंडर मैं आपको खोल के दिखाता हूं, सेम तो है, क्या फर्क है दोनों में? हाँ बॉडी का फर्क जरूर है, वो लोहे में है, वो एल्युमिनियम में है। ये देखिए, तो दोस्तों ऐसे झूठे दावे करने वाले लोगों से बचो, मार्केट में पूरा सर्च करो। इस ग्राइंडर की जीरो वर्थ है, जीरो वर्थ। और आता कहां से है? चाइना से। ये कोई ताइवान का ग्राइंडर नहीं है, ये चाइनीज ग्राइंडर है।
इस ग्राइंडर की कैपेसिटी है 80 केजी पर आवर, इसकी कैपेसिटी है 40-50 केजी पर आवर। दोस्तों कहीं भी लगा लो चिपक आपको चिपकता ही मिलेगा। अगर ये एसएस है तो ये भी एसएस है, इस पे नहीं चिपक रहा बिल्कुल भी। और इस पे मैं जैसे ही लेके जाता हूं ये देखो। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग ऐसे बहकावियों के बहकावे में मत आए, ये आपसे रेट भी ज्यादा लेंगे झूठ बोल के कि सर हम तो एसएस का ग्राइंडर देते हैं, हमारा ग्राइंडर तो 10,000 रुपए महंगा है। अरे अगर ये ग्राइंडर आपको 50 का मिल रहा है ना, तो ये तो 30 से भी कम को होना चाहिए लोहे वाला तो। और वो क्या करते हैं, सर वो ग्राइंडर हम 45 का दे देंगे, ये 10,000 रुपए महंगा 55 का दे देंगे। क्यों भाई, लोहा ज्यादा महंगा हो गया क्या? अगर एसएस होता तो मैं मान लेता कि चलो 10,000 का फर्क है, ये ग्राइंडर में ज्यादा वर्थ है, बट ये तो है ही कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप भी जागरूक बनो, आपने पैसे दे के चीज लेनी है, बढ़िया चीज लो, बहकावियों के बहकावे में मत आओ। वो आप लोगों को बहका देते हैं, हम तो एसएस का देते हैं, हम तो ये देते हैं वो देते हैं, और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हो। मेन मोटिव मेरा यही है आज का कि आप इन चीजों से बचें और अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। हमारे पास रेडली अवेलेबल स्टॉक्स भी होता है, किसी भी क्लाइंट को मशीन की कभी भी रिक्वायरमेंट है वो हमें कॉल करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, हम उनको पूरी जानकारी देंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है, आफ्टर सेल सर्विस क्या रहेगी, हर एक चीज की आपको नॉलेज दी जाएगी। बट मेन जो आज की वीडियो का हमारा मकसद था वो यही था कि आप इन झूठे लोगों से बचो। ये झूठे लोग आपको झूठ बोल के आपसे पैसा ले लेते हैं, बाद में आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं या आपका फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और आप लोग सर्विस के लिए फिर इधर उधर दूसरी कंपनियों पे फोन करते हो, और दूसरी कंपनी भी आपको कहती है कि सर जहां से आपने मशीन लिया आप वहीं से सर्विस लीजिए। बट ऑल ओवर इंडिया किसी ने भी कहीं से भी मशीन लिया उसका काम बंद पड़ा है तो हमें कॉन्टेक्ट करें, हम उनकी मशीन चला के देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा। जो स्पेयर पार्ट्स का होगा और जो पार्ट्स का सर्विस का खर्चा होगा वो ही आपसे लेंगे, ना हम कभी ये बोलेंगे कि सर आपने वहां से मशीन लिया है तो आप वहीं से सर्विस दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं सोया का बिजनेस ज्यादा अच्छा बढ़े और लोग अच्छे कामयाब हो और काम बढ़िया चले उनका। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे झूठ बोलने वाले झूठे लोगों से बचे, इस लोहे को मत यूज करो, ये जहर है इसका। जो भी बाहर चलो लोहा है, अंदर तो ऐसा दिखा दो ना, अंदर भी लोहा है इसके। तो मैंने कोई चिंबक की ना तो कोई गूंद लगाई है, ना कोई फेविकोल लगाया, ना कोई फेविक्विक लगाई है, सब लाइव है आपके सामने। ये देखो अगर ये चिपक रहा तभी आवाज आ रही है ना। तो दोस्तों ये एसएस कहां से है, उनसे एक बार ही पूछो तो सही। और इसके अंदर जो जाली लगेगी वो एल्युमिनियम की लगेगी, वो भी एसएस की नहीं है। अगर वो आपको ये ग्राइंडर 50-55 का दे रहे हैं ना, फिर तो ये ग्राइंडर 1,00,000 का होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आज का मोटिव यही था, जागरूक बनो। और बाकी हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी ताजा अपडेट्स आपको देते रहेंगे, काफी वीडियोस भी हैं सेटिस्फाई क्लाइंट की। अब तो हमारी सेटिस्फाई क्लाइंट की वीडियोस देख के दूसरी कंपनी अभी डालने लगी है कि हमारा सेटिस्फाई क्लाइंट है, तो चलो कोई नहीं, वो अच्छी बात है कि कोई भी कंपनी मशीन बेचे तो उसका जो भी क्लाइंट हो सेटिस्फाई हो, हम तो यही चीज कहते हैं। हमारा किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई वैर है, ना कोई हमारा कोई झगड़ा है किसी के साथ, ना कोई कंपटीशन है। बस हम तो लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि झूठ बोलने वाले झूठे लोगों से बचो, अपना सब चीजों को देखो परखो, उसके बाद फाइनल करो। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, बालाजी एग्रो इंडस्ट्री पंचकुला के नाम से हमारा चैनल है, और भी आपको अच्छी ताजा अपडेट्स देते रहेंगे। बट आज का मेन मोटिव था कि इस लोहे वाले ग्राइंडर को मत यूज करें, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है।
कल को कोई भी उन्नी की बात होगी आप फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूकता दे, लोगों को बताएं जिनको नहीं पता, जो बेचारे बहकावे में आ जाते हैं कि हम तो एस एस का ही लेंगे। तो दोस्तों एस एस का ऐसा कोई ग्राइंडर है ही नहीं, अगर होता तो यही ग्राइंडर आता मार्केट में, आप भी देख लेना। ये देखो यही ग्राइंडर आएगा। अब देख लो आप एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज की तरफ जाना चाहते हैं या एक घटिया और फेक चीज की तरफ जाना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है। हमारा काम था आपको जागरूक करना।